गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी आर रिज्यूमिंग आ चैप्टर फ्रॉम स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स हेयर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस और एंड आर्ट स्टूडेंट्स जब भी नेचर की बात की जाएगी हम दो चीज़ें मैंशन करेंगे दैट इज साइंस एंड आर्ट ठीक है नेचर मीन्स किस तरह की वो चीज़ है एंड नॉर्मली हम दो तरह से ही बताते हैं किसी भी चीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फॉर्म में साइंस एंड आर्ट ठीक है सो प्रोफेसर टिपलट ये बताते हैं दैट स्टेटस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट तो स्टेटस्टिक्स क्या है साइंस भी है और आर्ट भी है एज अ साइंस स्टेटिस्टिक स्टडीज़ न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक मैनर और सिस्टेमेटिक मैनर तो स्टेटिस्टिक साइंस कैसे है क्योंकि ये स्टडी करती है न्यूमेरिकल डेटा को इन साइंटिफिक और इन सिस्टमैटिक मैनर अब आर्ट्स कैसे है क्योंकि ये रिलेट करती है क्वान्टिटेटिव डेटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम से बाई यूजिंग स्टेटिस्टिकल डेटा वी आर एबल टू अनालिस एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम मच बेटर देन अदरवाइज सो जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड स्टेटस्टिक्स को रिलेट कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम का रीजन पता चल जाता है हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई है दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुल एनालिसिस वेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सपोज विथ कोटिटेटिव डेटा एंड हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में पता चलती है एक कोंटिटेटिव डेटा से उससे हमें पता चलता है कि कितनी परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं दिस मीन्स स्टेटिस्टिक्स इज साइंस एंड आर्ट बोथ आर्ट्स में कैसे क्योंकि हम न्यूमेरिकल डेटा को एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी करते हैं एंड आर्ट्स में हम क्वान्टिटेटिव डेटा को रिलेट करते हैं रियल लाइफ से जिससे हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फलेटेड स्टेटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मीनस जहाँ हमें एक प्रॉपर डिस्कशन मिलती है यहाँ पर हम तीन चीज़ें करते हैं दैट इज कलेक्शन प्रजेंटेशन एंड एनालिसिस ठीक है डिस्क्रिप्टिव स्टडी रेफर्स टू दोज मैथड्स विच आर यूज फॉर दी कलेक्शन प्रेजेंटेशन एंड एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द डेटा सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स वो होते हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं प्रेजेंट करते हैं एंड बैम्बलूस का एनालिसिस करते हैं these methods relate to such estimations as measurement of central tendencies measurement of dispersion measurement of correlation etc for example descriptive statistics is used when you estimate average height of students in your school otherwise descriptive statistics is used when you find that marks in science and mathematics of students in class are initially related to each other

सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटस्टिक्स में हम थ्री मैथड्स यूज करते हैं दैट इज़ कलेक्शन मैथड प्रेजेंटेशन मैथड एंड एनालिसिस मैथड सो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ये लिखेंगे दैट कि हम ये देखते हैं कौन कौन सी क्लास में फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड मैथ्स में किन किन बच्चों के रिलेटिंग मार्क्स आए हैं या हम इसमें करते हैं ड्रॉ एस्टिमेटेड एवरेज सेकेंड इज इन्फ्रूएंशियल स्टैटिस्टिक्स इसमें हम करते हैं कंक्लूजन ड्रॉ एंड विच इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सल और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल सो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सैम्पल के बेसिस पे

कंक्लूजन ड्रा करते हैं सैम्पल के बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल इफ ए क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज वेट ऑफ द इंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैम्पल ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास ही इज यूजिंग इनफेंशियल स्टेटिस्टिक्स एन एग्जाम्पल इज कोटेड हेयर दैट कि आपकी टीचर ने पूरी क्लास को वे करने की जगह कुछ सिलेक्टेड बच्चों के वेट से एवरेज ड्रॉ कर लिया दैट कि एंटायर क्लास में से मैक्सिमम बच्चों का वेट इतना होगा या हमने ये देखना है कि रिजल्ट आ गया सो हमने एवरेज ड्रॉ करनी है कि कितने बच्चों के मार्क्स फिफ्टी के अंडर आए हैं कितने बच्चों के थर्टी के अंडर आए हैं सो हाउ विल डू दैट बाई इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स बेसिकली यहाँ हम एवरेज ड्रॉ करते हैं हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम वेट कितने बच्चों का कहाँ फॉल कर रहा है लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स वी आर हैविंग सेवन लिमिटेशंस फर्स्ट इट स्टडीज द दल फैक्ट्स ओनली सेकंड इट स्टडीज द एग्रीगेट्स ओनली थर्ड डेटा इज होमोजेनियस एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट रिजल्ट आर ट्रू ओली ऑन एवरेज फिफ्थ विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव To be wrong, sixth can be used only by the experts, and seventh prone to misuse. Now we learn about the limitations of statistics. That means cons of statistics. Hai statistics me. In the modern times, statistics have emerged to be the crucial significance in all walks of life. However, it has certain limitations. Thus writes New Home that statistics must be regarded as an instrument of research of great value but bearing serves limited which are not possible to overcome following are some notable limitations of statistics so first is numerical facts only so statistics kya dekhta hai kya study karta hai only numerical facts numbers only numbers ko hi study karta hai statistics studies only such facts that can be expressed in numerical terms so क्या स्टडी करता है क्या एक्सप्रेस किया जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ नमेरिकल टर्म्स नंबर्स ओनली इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना सो क्वालिटीज़ नहीं देखता है स्टेटस्टिक्स ओनली नमेरिकल टर्म्स को स्टडी करता अब क्वालिटेटिव टर्म्स कौन सी होती हैं जैसे कि ऑनेस्टी फ्रेंडशिप विजडम हेल्थ पेटिज्म जस्टिस एक्सेट्रा तो क्वालिटीज़ नहीं देखता है स्टेटस्टिक्स सेकेंड इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली स्टेटिस्टिक्स स्टडी ओनली एग्रीगेट्स ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स सो so स्टेटिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता है इसमें एग्रीगेट होना चाहिए एक से ज़्यादा चीज़ों को ही स्टैट स्टडी कर सकता है इट डज़ नॉट स्टडी स्टेटिस्टिक्स फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर यूनिट किसी एक यूनिट को ही स्टडी नहीं कर सकता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि राम की पॉकेट में फाइव हंड्रेड रुपीज़ है सो दिस इज़ अ डेटा येस राम इज़ हैविंग फाइव हंड्रेड रुपीज़ वी नो दैट बट देयर इज़ नो कम्पैरिजन

अब ये सब्जेक्ट मैटर कैसे बनेगा जब हमें इनकम सभी टीचर्स की पता चलेगी पूरी कंट्री की पूरे नेशन की टीचर्स की जब हमें इनकम पता चलेगी तब वो चीज़ बनेगी स्टेटिस्टिक्स सो so, जब हम बहुत सब लोगों के बारे में स्टडी करते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड एग्रीगेट और स्टेटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट्स को ही स्टडी करता है न थर्ड इज होमोजिनिटी ऑफ डेटा होमोजिनिटी मीन्स कुछ भी जो सेम हो एक जैसा हो सो होमोचिटी ऑफ डेटा मीन्स एक जैसा ही डेटा होता है स्टेटिस्टिक्स में एंड ये क्या है असेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टेटस्टिक्स की टू कंपेयर डेटा इट इज़ असेंशियल दैट स्टेटस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी तो जितने भी हमारे डेटा होने चाहिए वो यूनिफॉर्म वे में होने चाहिए डेटा ऑफ डिज़र्व क्वालिटी एंड काइंड कैनॉट बी कम्पेयर्ड अगर डेटाज डिजर्व क्वालिटीज़ में नहीं होंगे सो स्टेटिक्स क्वालिटीज़ को कैलकुलेट कर ही नहीं पाता है फॉर एक्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कम्पेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ ठीक है दोनों प्रोडक्शन हैं बट होमोजिनिटी होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन को हम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ फूड्स हो सकते हैं बट हमारा जो यूनिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे चेंज हो गया प्रोडक्शन ऑफ़ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कम्पेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इट इज़ बिकॉज क्लोथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स एंड फूड ग्रेन इन टन्स अब दोनों तो प्रोडक्शन हैं अब आप बोलोगे अब स्टेटिस्टिक्स में आ रहा है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है बट दोनों की कैलकुलेशन के मैथड्स अलग अलग हैं कैसे फूड को हम कैलकुलेट करते हैं टनस में क्लोथ को मेजर करते हैं हम मीटर्स में नेवर दिल इज इट इज़ पॉसिबल टू कम्पेयर दियर वैल्यू इन स्टीड ऑफ दियर वॉल्यूम तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी वैल्यू बट इनका वॉलीम वॉल्यूम मीन्स इनकी क्वान्टिटी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे फोर्थ रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज मोस्ट स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज सो जितनी भी हमारी स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स है वो किस चीज़ पर रिलेट करती हैं किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं दैट इज एवरेज अगर हमारी एवरेज करेक्ट है तभी हमारी स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स ट्रू होंगी दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टिडेंसीज अनलाइक द लॉज ऑफ नेचुरल साइंस स्टेटस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरि they are only always valid under all conditions for instance if it is said that per capita income in india is 50000 per annum it doesn't mean that income of each and every indian is 50000 per annum some may have more than and some may have less than average is a typical value in a set of data or an average is a single number taken as representative or list of numbers for instance द पो कैपिटल इनकम ऑफ ऑल इंडियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया is 50,000 थाउजेंड पर एन एम सो ये किसका बताया है एक एवरेज बताया है कि इंडियंस की पर एन इनकम कितनी है फिफ्टी थाउजेंड अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की फ़िफ्टी थाउजेंड हो किसी की ज़्यादा भी हो सकती है किसी की कम भी हो सकती है तब ये क्या किया है एक एग्रीगेट डेटा निकाल दिया है एक एग्रीगेट डेटा कैलकुलेट कर दिया गया है तो ये क्या हुआ हमारा एवरेज सो so, स्टेटिस्टिक्स जो है वो एवरेज पे डिपेंड करती है अगर हमारी एवरेज करेक्ट है तभी हमारी स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग सही होगी फिफ्थ विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग सो so, बिना रेफरेंस के जो भी हमारा रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो गलत हो सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन इट इज़ नेसेसरी दैट सर्कमस्टांसिस एंड कंडीशन अंडर विच दीज कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो बी स्टडीड अदरवाइज दे मे प्रूव रॉन्ग सो ये जरूरी है जिन सर्कमस्टास एंड कंडीशन के अंडर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एस टू स्टडी ईच एंड एवरी कंक्लूजन वेरी प्रिसाइजली इधर इट विल प्रूव रॉन्ग for example in the business of cloth profit earned during three year may be 1 lakh 2 lakh and 3 lakh respectively on the other hand in the paper business profit earned during the three years may be 3 lakh 2 lakh and 1 lakh respectively thus average profit in both businesses comes to be 2 lakh per annum it may lead to the conclusion both the businesses have similar economic status but it may not be true

सो कंडीशन इज दैट क्लोथ बिजनेस इज गोइंग इन द प्रोफिट इट इज प्रोग्रेसिंग बट द पेपर बिजनेस इज इन द लॉस बट इकोनॉमिक स्टेटस दोनों का सेम है सो दिस मीन्स दैट वी नीड टू स्टडी द रेफरेंसेज वेरी क्लीनली एंड दिस प्रूव दैट रिजल्ट कैन बी रॉन्ग सिक्स पॉइंट इज दैट इट कैन बी यूज ओनली बाई एक्सपोर्ट्स तो जिनको स्टेटिस्टिकल टर्म्स आती होंगी वही यूज कर सकते हैं statistics can be used only by those persons who have special knowledge on statistical methods. those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics. it can, therefore, be said that data in the hands of an unqualified person is like a medicine in the hands of a hack who may abuse it, leading to disastrous consequences. in the words of yale and kendall, statistical methods are most dangerous tools in the hands of an in export, seventh, prone to misuse. Misuse of stats is very common. Stats may be used to support pre-drawn conclusion, even when it is absolutely false. It is usually said that statistics are like a clay by which you can make a god or a evil as you please. Misuse of statistics is indeed its greatest limitation. Using statistics for a wrong matter is a very common thing, and even pre-drawn conclusion can be used. चाहे प्री ड्रॉन कंक्लूजन हमारा फॉल्स ही हो ये भी एक डिज़ास्ट्रस कंक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डू कॉल और मैसेज मी। थैंक यू सो मच